नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक जी, स्वागत है। और नमस्कार। नमस्कार। पहले आपने देखा होगा एक नैरेटिव आया गोदी मीडिया, बड़ा छीजालेतर हुई और उसके बाद एक नई मीडिया का गठन हुआ जिसे YouTube मीडिया के नाम से पहले प्रचारित किया गया, बाद में सोशल मीडिया का एंगल दे दिया और ये कहा गया कि ये सच दिखाती है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों का एक अलग जलवा बिखर गया। जिन बड़े बड़े चैनल्स के व्यूज करोड़ों में आते थे वो लाखों में आ गए और जिन यूट्यूबर्स के व्यूज हजारों में आते थे वो लाखों और करोड़ों में चले। सिस्टम बदल चुका था। अब गोदी मीडिया के पास लोगों ने जाना, धीरे धीरे बंद कर दिया और कहा जाने लगा कि ये तो सरकारी संस्थान हो गए, सरकार की प्रेस रिलीज जो दी जाएगी उसे पढ़ा जाएगा और शाम को हिंदू बनाम मुसलमान, नफरत बनाम घमासान, इस पर गृह युद्ध होगा चैनल पर बैठ के, जिसमें आप देख चुके हैं कई बार पत्रकार की पिटने की नौबत आ गई जो सवाल कर रहा है, कई बार एंकर पिटने पिटाते के भूमिका में आ गए। इन सब के बावजूद मीडिया अपने एक चौथे स्तंभ का गायन गाती रही। उसने ये नहीं कहा कि ये स्तंभ टूट के ढह चुका है, खत्म हो चुका है, ये सब नहीं कहा, ये सब रोके रहे। अब भी कह रहे हैं चौथा स्तंभ कामयाब है। किसानों का आंदोलन रिपोर्टिंग नहीं की, मुख्यमंत्री गांव में गए, पब्लिक ने घुसने नहीं दिया, रिपोर्टिंग फिर नहीं की, कह रहे चौथा स्तंभ कामयाब। यूपी में घटना घट रही है, रिपोर्टिंग नहीं की, चौथा स्तंभ कामयाब है। मंगेश का एनकाउंटर हो या अनुज का एनकाउंटर हो, हम दोनों एनकाउंटर का विरोध करते हैं। यह अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया, हम दोनों एनकाउंटर का विरोध करते हैं। ऐसे में एक खबर चल पड़ी उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूब चैनल पर, अडानी को लेकर एक खबर होती है, खास करके हिंडनबर्ग को लेकर होती है, जो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में तहलका मचा चुकी है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश के गृह मंत्री बयान देते हैं कि शेयर खरीद ले लोग तो मुनाफा हो जाएगा, और लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, मार्केट गिर गया, लोग बर्बाद हो गए। अब एक चैनल कह रहा है कि अडानी का विरोध मत करिए, अडानी के शेयर गिर जाएंगे। अरे हम किसका भरोसा करें, गृह मंत्री जी का कि शेयर खरीद लो चले जाएं, या फिर एक यूट्यूब चैनल का कि शेयर मत, हिंडनबर्ग पर मत बोलिए, खबरों पर मत बोलिए, हम किसे माने, हम तो बड़े संशय में पड़ गए। इधर कहा गया कि ये यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, खबर लाते हैं जमीन से निकाल के। अब इस दौरान दो पत्रकार भिड़ गए और फिर हमने ढूंढा आलोक सर को, क्योंकि आलोक सर उन दोनों पत्रकारों का मरम जानते हैं, उन दोनों पत्रकारों के साथ काम कर चुके हैं, एक के साथ तो लगभग एक वर्ष कर चुके और एक के चैनल पे कई मर्तबा बैठकर इस देश को समझा चुके कि यहाँ जो बातें होती हैं वो सही होती हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम कहाँ बैठ के बातें करते रहे और हम क्या जनता को बताते रहे। आलोक सर अब आप बता दीजिए, आप तो दोनों के नजदीक। देखिए साहब, मैं एक बात कहूंगा, बड़ी स्पष्ट सी बात कहूंगा कि जो भी आदमी, मैं आपके चैनल पे बैठ के बोलूं कि आलोक पाठक बहुत ईमानदार है तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ईमानदारी का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को नहीं दे सकता हूं, मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता देगी, ये जनता फैसला करेगी कि आलोक पाठक कितना निष्पक्ष है। यहां दो बड़बोल है लोग, दो स्वयंभू लोग, दोनों अपने आप को भगवान समझते हैं। अब एक नाम आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं कर देता हूं, संजय शर्मा। भाई संजय शर्मा में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। संजय शर्मा को मैं पिछले 18-20 सालों से जान रहा हूं, जब से लखनऊ आया हूं। पहले एक छोटा सा साप्ताहिक अखबार चलाते थे, बाद में आपके मित्र अमिताभ अग्नोत्री वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने एक डेली अखबार शुरू किया शाम का, बड़ा जबरदस्त उसकी लॉन्चिंग भी अखिलेश यादव ने उसको लखनऊ में लॉन्च किया। उसके बाद फिर वो
एक 4 PM के नाम से अखबार लेके आए जो लखनऊ में बटता था। लखनऊ में 4 PM सब जगह जितने भी महत्वपूर्ण जगह है वहां पहुंच जाता है अधिकारियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, 4 बजे आपको बढ़िया सा 4 PM पहुंच जाएगा लखनऊ के महत्वपूर्ण जगहों पे। और 4 PM में खबरें भी अच्छी होती थी, मसालेदार, सत्ता पे सीधे सवाल। उसके बाद संजय शर्मा ने 4 PM के नाम से यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, और संजय शर्मा पॉपुलर तब हुए जब कोरोना काल में उन्होंने खुल के अनियमितता पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यूपी में बैठ के कोई आदमी सत्ता से सवाल करेगा। और संजय शर्मा ने 2020 के बाद से लगातार 21 में तो विशेषकर जब कोरोना की सेकंड वेव में बड़े सवाल किए, इनके अखबार ने भी बड़ी जबरदस्त कवरेज की, उनके चैनल ने भी, इनका चैनल पॉपुलर हो गया। अब इनके चैनल पे डिबेट पे देश के कई माने जाने माने चेहरे आने लग गए, और धीरे धीरे संजय शर्मा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई। अजीत अंजुम भी आते थे, दीपक शर्मा भी आते थे, मतलब बड़े बड़े लोग, उसके अलावा अशोक वानखड़े जी भी आते थे, कई लोग आते थे, और सबको लगता था कि ये शख्स यार बड़ी बहादुरी का काम कर रहा है, लखनऊ में बैठ के योगी जी से सवाल कर रहा है। चैनल जो है वो 10,000 से 20,000, 50,000, लाख उसके या तो बढ़ता चला गया, वो अब तो सुनने हमारा 60-65 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो लेकिन संजय शर्मा की कमी क्या है? वो आके बताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे ईमानदार पत्रकार हूं। अरे संजय जी, ये जनता है, इस देश की जनता ने तो प्रभु पे भी सवाल उठाया है जब वो अवतरित हुए हैं तो, और माता सीता ने जनता के सवालों का जवाब देने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, और आप बोलते हो कि भाई सनातनी, आप खुद ही सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हो। वो बोलेंगे कि टार्च लेके ढूंढिए तो लखनऊ में मुझसे ज्यादा ईमानदार पत्रकार नहीं मिलेगा। अरे आप खुद क्यों बोल रहे हो? उसके बाद ये साहब पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई। अब पिछले साल भर का डाटा उठाइए तो पता चलेगा यूट्यूब पे 4 PM को बड़ा जबरदस्त तरीके से देखा गया। तो कहते ना, सफलता बड़ी खतरनाक चीज होती है सुकुमार जी। मैंने 21 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस में काम करना शुरू कर दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया। और उस जमाने में 1990-91 में जब लोग काम करते थे ना, तो कहा जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आई कार्ड होना, यू आर, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को बोला जाता है यू आर द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। तो 21 साल की उम्र में मैं उस मीडिया हाउस का हिस्सा था, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। तब भी जो आप सरकारों के तमाम ऑफिसर्स देखते थे ना, शास्त्री भवन, योजना भवन, रेल भवन, वहां जाने के लिए आपको पास बनवाना पड़ता था। हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का आई कार्ड दिखा के घुस जाते थे। तो अपने बहुत कम उम्र में देख लिया था, लेकिन वहां पे भी किसी ने ये नहीं बोला कि वो बहुत ईमानदार, खुद नहीं बोला, लोग बोलते थे कि फलाने पत्रकार बड़े ईमानदार हैं, ये दुनिया बोलती थी। लेकिन एक नया प्रचलन आ गया। उसके बाद क्या हुआ साहब? ये साहब बड़े हो गए, अचानक इनके 50-60 लाख सब्सक्राइबर हो गए, एक 40-30 करोड़ दर्शक हर महीने देखने लग गए, और क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई कि चूंकि आपने सही कहा, यूट्यूब पे सरकार की आलोचना हो रही थी, गोदी मीडिया के चैनल दिन भर जय मोदी जय योगी जय मोदी जय योगी करते थे, जनता उब चुकी थी कि उसको सरकारी प्रपंच नहीं दे सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि जमीन पे महंगाई है, जमीन पे बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर छितरा हुआ है। तो ये जो गोदी मीडिया के चैनल, ये तो प्रचंड वेव बता रहे थे कि लोकसभा में भाजपा को 400 सीटें मिल जाएगी। तमाम सर्वे ऐसा लग रहा था कि मोदी, शाह और योगी, ये तीन अवतरित पुरुष हैं, ये लोग पुरुष नहीं, सीधे सीधे महापुरुष, भगवान है। एक एंकर तो बोलते बोलते अपने नाम के आगे मोदी जोड़ दी। तो हमने वो दौर भी देखा, क्योंकि एक बड़े मीडिया हाउस में, मैं दो बड़े मीडिया हाउस में काम किया हूं मैं,
तो 14 साल वहां काम किया उस मीडिया हाउस का, जब हम लोग शुरू में नाम लेते थे भाई साहब ना, तो अधिकारी और नेता हिल जाता था कि मैं फलाने जगह से आलोक पाठक बोल रहा हूं भाई साहब, ठसक हुआ करती थी। और उस मैगजीन का यह पराक्रम था कि सरकारें हिल जाती थी, रिपोर्ट्स की चर्चा होती थी। वो उस पत्रिका के संपादक राजीव गांधी के आगे नहीं झुके जब राजीव गांधी 400 का बहुमत लेके डिफेमेशन बिल लाए थे मीडिया के खिलाफ, तब इसी दिल्ली में मीडिया में कितना विरोध हुआ था। खैर अब आज के लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, जानकारी होगी नहीं, प्लस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो ये भाई साहब जो है इनको सफलता मिलनी शुरू हो गई। अब इनको राहुल गांधी भी इनसे मिल रहे हैं, अखिलेश यादव तो खैर सबसे मिलते हैं, हर आदमी संजय शर्मा से मिल रहा है हर आदमी। अच्छा सभी राहुल गांधी की टीम ने क्या इंश्योर किया कि जो विपक्ष जो बड़े यूट्यूबर्स हैं सबको राहुल गांधी से ये लोग महीने में एक बार मिलवाते थे। लेकिन 3-4 अपवाद है भाई साहब इस यूट्यूब की दुनिया में भी जो राहुल गांधी से मिलने नहीं जाते थे, लेकिन एक बड़ी फौज जाती थी। अब ये क्या बढ़ते बढ़ते अब अचानक इनके ऊपर ये तमाम तरह के आरोप हैं, और एक दिन उन्होंने अडानी पे वीडियो बना दिया। ये वो काम किया इन्होंने, देखिए अडानी के पक्ष में हमारे इंडिया टुडे के पुराने संपादक हैं दिलीप मंडल, वो लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि हिडन बर्ड एक शॉर्ट सेलर है, हिंदुस्तान में लोग पढ़ते लिखते कम है। श्री कुमार जी, दिलीप मंडल ने बड़ी मजबूती से कहा था, तब वो मोदी का विरोध करते थे लेकिन लिखते थे कि हिडन बर्ग एक शॉर्ट सेलर है और इसने जानबूझ के एक ऐसी रिसर्च छापी है जिससे अडानी का शेयर गिरा। ये बात शुरू हुई जनवरी 2023 में और शेयर मार्केट गिरा, आम जनता को नुकसान हुआ। तो तब तो दिलीप मंडल ने खुल के बोला, तब संजय शर्मा उस दिन तो नहीं आए थे बोलने के लिए। तो जनवरी 2023 में तब तो इन्होंने अडानी वो शेयर क्राइसिस में उन्होंने विरोध नहीं किया था, अब अचानक वो एक स्टोरी आती हिडनबर्ग की कि अडानी का 26,000 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड के बैंक में उसको सीज कर दिया गया है। अब उस पर उन्होंने बकायदे वीडियो बना दिया। देखिए साहब, आप संजय शर्मा के वीडियोज उठा के देख लीजिए, उनके 1.5-2 साल के वीडियो उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा उस पर अटैक हुआ है सुकुमार जी मुकेश अंबानी के चैनलों पे। सबसे ज्यादा आपको थंबनेल अगर कहीं मिलेगी तो संजय शर्मा के चैनल पे मिलेगी। लोग कहते थे अभी तक क्या आप खबर कराते थे अंबानी के खिलाफ, अब अचानक आप अडानी के प्रवक्ता बन गया, वो लगे प्रॉफिट लॉस समझाने। अब प्रॉफिट लॉस समझाने लगे तो यहां पे एक चीज की मैं ज्यादा नहीं जानता था, वीडियो किसी ने भेजा मैंने देखा, लेकिन उसी संजय शर्मा के चैनल पे अडानी के विरोध में उसी दिन भी खबर चली। उनके गुजरात के संपादक हैं मयूर जानी, 2-4 डिबेट में हमारे साथ बैठे हुए हैं हम लोग, मतलब डिबेट्स के जरिए एक दूसरे को जानते हैं। मयूर जानी ने भी संजय शर्मा के विचारों का विरोध किया। हो सकता है मैं बोल रहा हूं किसी को आलोक पाठक बेकूफ लगेगा, बोलेगा आपको, बोलेगा हमको, बोलेगा हमको, आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो टू वे कम्युनिकेशन है ना, सोशल मीडिया की यही ताकत है ना, कि किसी को अगर मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी तो बता देगा कि पाठक जी आप यहां झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब इस विवाद में अशोक वानखेड़े जी को कुदा दिया जाता है, और एक बात बता रहा हूं श्री कुमार जी, वानखेड़े जी को एज ए टूल यूज किया गया है। अब वानखेड़े जी आते हैं एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे, मार बहुत सारी बातें कर देते हैं, और ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कई बार वानखेड़े जी भी अपनी छाती पीटने लगे कि मेरी वजह से संजय शर्मा का यूट्यूब चैनल चला, मेरी वजह से उसको चला। ये बात मुझे भी अखर गई, संजय शर्मा ने मेहनत की। इसका मतलब आपने एक वर्ष अभी उन्हीं के साथ काम किया तो क्या आप भी ये कह सकते थे? आपने तो नहीं कहा, आप भी ये कह सकते थे कि मेरी वजह से उनका चैनल चला, आपने तो कभी नहीं। मैंने एक सुनिए, अशोक वानखेड़े और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए अशोक वानखेड़े
एक मजबूत आवाज है। अशोक वानखड़े ने क्या गलती की, इनको अपने मुंह से सब नहीं कहना चाहिए था कि मेरी वजह से संजय का चैनल चला, मैंने ये सब चीजें अशोक वानखड़े को खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। देखिए जब आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, अशोक वानखड़े के साथ हमने काम किया कई विषयों, सुनिए सुनिए, कई विषय में हमारे उनके अलग विचार होते थे तो हम लोग आपस में बहस कर लेते थे, वहां वो टूल की तरह यूज हो गए और उसमें उन्होंने कुछ, जैसे जब भी कोई आदमी अशोक वानखड़े को ये सब नहीं बोलना चाहिए था कि संजय शर्मा का चैनल, ये बात सही है कि जब संजय शर्मा के चैनल पे आज तक के पुराने पत्रकार दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, अशोक वानखड़े जैसे लोगों ने बैठना शुरू किया तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। एक बात समझिए, आप कोई पत्रकार अगर दिल्ली में बैठे हैं तो लोग मानेंगे दिल्ली का पत्रकार बड़ा पत्रकार होता है, क्योंकि संजय शर्मा की पूरी पत्रकारिता लखनऊ में हुई है। तो एक देखिए ना, हर जगह है भाई साहब एक प्रॉब्लम। तो संजय शर्मा को विश्वसनीयता मिली उनके यूट्यूब चैनल को कि 4 PM पे अशोक वानखड़े आ रहे हैं, अजीत अंजुम आ रहे हैं, दीपक शर्मा आ रहे हैं, तमाम बड़े लोग आ रहे हैं। आपको अशोक वानखड़े को यहां विरोध करना चाहिए था कि संजय ने जो जो बोला गलत बोला, लेकिन यह कहना अशोक वानखड़े द्वारा कि मेरी वजह से उनका चैनल खड़ा हो गया, ये थोड़ा सा भाई साहब कहीं ना कहीं इसमें अहंकार की बू आ रही है। अब एक तरफ अशोक वानखड़े ने कुछ बोल दिया तो संजय शर्मा को शांत रहना चाहिए, तो संजय शर्मा अपने चैनल पे कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मेरी वजह से TRP आ रही है, खुद के चैनल का तो 10 लाख सब्सक्राइबर, मेरा चैनल कहां है। मैं इस प्रकरण पे बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि देखिए दोनों लोग, आप अशोक वानखड़े के विचार से असहमत हो सकते हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, लेकिन मैं कभी अशोक वानखड़े से बड़ा नहीं हो सकता हूं, पहली बात। और अशोक वानखड़े से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यह भी एक बहुत बड़ा सच है। मैं उनके साथ काम किया टीम के रूप में जून जुलाई 2023 से लेकर और अगस्त तक हम लोग एक टीम बना के काम किए, ठीक है। कुछ चीजों में हमारी उनकी राय नहीं मनी, हम और नीलू ब्यास एक और हैं, बड़ी पत्रकार हैं, बहुत सीजन, हम लोग अलग हो गए। लेकिन ये हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं वानखड़े जी और हमारी कोई तुलना ही नहीं। मैं तो कहूंगा कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो वानखड़े जी के ज्ञान के सामने मेरी कोई, देखिए उनका जो अनुभव है, जो पत्रकारिता में जो उनका अनुभव है, लेकिन वानखड़े जी को ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे इसी शब्द पे बहुत ऐतराज था, तो उनको ये कह के मैं कहूं कि हाँ अगर 4 PM पे अशोक वानखड़े नहीं आते, अजीत अंजुम नहीं आते, दीपक शर्मा नहीं आते तो संजय शर्मा के चैनल को उतनी विश्वसनीयता नहीं मिलती। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग TV के जाने पहचाने नाम है और संजय शर्मा लखनऊ के पत्रकार थे, वो अखबारों में खबर किया करते थे, उनका अखबार 4 PM, ये भी सच्चाई कि 4 PM ने अखिलेश यादव की सरकार की भी आलोचना की है। अब कई लोग संजय शर्मा के आर्थिक विकास पे भी सवाल उठाते हैं कि संजय शर्मा कहां से कहां पहुंच गए। और अडानी के, देखिए एक बात है, पिछले 1.5 साल से ये सुगबुगाहट हो रही थी कि संजय शर्मा का अडानी के प्रति जो रवैया है वो अंबानी पे तो अटैक करते हैं, अडानी पे नहीं करते हैं। अब जानते हैं क्या हो गया, बड़ा सवाल जो ये हो गया कि जिस यूट्यूब पे देश के करोड़ों दर्शकों को बड़ा भरोसा था, उन करोड़ों दर्शकों की विश्वासकों की भावनाओं को चोट लगी है। लेकिन यहां यह भी सच बताना पड़ेगा कि संजय शर्मा ने अगर अपने चैनल पे अडानी की 15-20 मिनट की तारीफ की है तो उसी चैनल पे कई लोगों ने अडानी की का विरोध किया है और उनके संपादक मयूर जानी ने लिखा कि संजय जी आपने गलत बोला है, और कई लोगों ने विरोध किया, वो भी वीडियो चले हैं। तो आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कर रहे हैं कि अब संजय शर्मा के चैनल को बदनाम करके कुछ लोग अपना चैनल आगे बढ़ाने चल रहे हैं।
आप समझ रहे हैं ना, कुल मिला के नहीं, देखिए आप हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें कि दर्शकों तक सच साझा करें। दर्शक हमारा गुलाम नहीं है भाई साहब, दर्शक जिसके पास रहेगा, दर्शक की ताकत है। आज संजय शर्मा के चैनल को 1 करोड़ लोग से ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जिस दिन उन दर्शकों को लग जाएगा कि क्योंकि यही लोग पहले आज तक को देखा करते थे, मैं बता रहा हूं ना भाई साहब, मैं इंडिया टुडे का विजिटिंग कार्ड भेजता था तो BHU का VC मेरे को स्पेशली टाइम देता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो घंटों मुझसे बात करते थे। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कटियार साहब स्पेशली मुझे टाइम देते थे, और वो उस घटना का मैं जिक्र करूंगा। हमारे यहाँ इंडिया टुडे में रैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम आई थी, कटियार साहब ने बड़ी मेल लिखी थी हमारे संपादक को अरुण पुरी को, तो हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाके बताइए कि सर्वे कैसे होता है। बड़े नाराज थे कटियार साहब, मैं गया, मैंने तथ्यात्मक रूप से सारी चीज उनको बताई, उनको समझ में आया। तो हम तो एक ऐसे ग्रुप से आए हैं भाई साहब, एक फर्जन अहमद थे यूपी बिहार में, उनको माना जाता था कि फर्जन अहमद जो लिख देंगे पत्थर की लकीर, साधारण आदमी थे, लाखों की तनख्वाह थी साहब, जितनी तनख्वाह की कल्पना लोग नहीं करते कर सकते हैं। 2011 में रिटायर हुए हैं तो उसके उस वक्त उतना पैसा लोगों ने सोचा नहीं होगा हिंदी बेल्ट पे, लेकिन बहुत सामान्य आदमी थे, एक छोटी सी कार में चला करते थे, और उनका ड्राइंग रूम में शाम के समय दे लखनऊ के सब बड़े पत्रकार आते थे, चाय चलती थी, पकौड़ी चलती थी, तमाम चीजों पर चर्चा होती थी। फर्जंद अहमद किसी नेता के पास घूमने नहीं जाते थे। तो हमने मीडिया का वो दौर देखा है, और अब लोग पूछते हैं कि भाई साहब वो पाठक जी इंडिया टुडे में अब वो स्टोरी नहीं आती है। नहीं, पहले लोग कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि इंडिया टुडे कहके किसको संभाल के रखते थे। अखिलेश यादव जी, 2012 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और इंडिया टुडे ने कवर पे अखिलेश यादव की फोटो लगा दी, फरवरी 2012 में, और मुलायम सिंह यादव ने उस पूरी मैगजीन को चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव जब प्रचार करने जाते थे उनके हेलीकॉप्टर में रखा रहता था और सबको दिखाते थे कि देखो भाई इंडिया टुडे के कवर पे अखिलेश आ गए। खैर, चुनाव जीते, अखिलेश यादव ने उस वक्त बड़ी एक नई उम्मीद बनकर आए थे 2012 में। तो पत्रकारिता ऐसे कीजिए कि जनता आपको याद करे। अब यहां पे लोग अनर्गल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, संजय शर्मा की भी वही कमी है, वो खुद को बड़ा चरित्रवान ईमानदार बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये फैसला, ये चरित्रवान ईमानदार बनाने का बताने का काम जनता का है। मैं कहूंगा कि मैं बहुत चरित्रवान हूं, बहुत ईमानदार हूं, तो लोग सोचेंगे ये आदमी बहुत बड़बोला है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। और जो लोग इस अडानी, और देखिए एक बड़ा सच ये है कि अगर YouTube चैनलों पे भी अगर बिजनेस हाउसेस का कब्जा हो जाएगा तो जनता सच सुनने कहां जाएगी। भाई गोदी मीडिया पे तो जो सरकार चाह रही है वही चल रहा है, और YouTube चैनलों पे भी अगर, तो कुल मिला के जो अभी आपने ये सब बातें बताई इनमें लेकर आप ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की अपनी अपनी जगह पूरी गलतियां, और नहीं बड़बोलापन, दोनों को बड़बोलेपन से बचना चाहिए, दोनों लोगों को। जनता कहे कि अशोक वान खड़े बहुत ईमानदार है, मैं कहूं आलोक पाठक कह रहे हैं कि 4 PM की विशेषता इसलिए बड़ी कि उसपे अशोक वान खड़े आते थे, दीपक शर्मा आते थे और अजीत अंजुम जैसे लोग आते थे, 4 PM पे रवीश कुमार ने भी इंटरव्यू दिया। अब रवीश कुमार कहे कि मैंने चूंकि संजय के चैनल पे इंटरव्यू दे दिया था इसलिए संजय का चैनल जो है वो करोड़ों में लाखों में भाग गया, तो ये रवीश का हल्कापन होगा। बिल्कुल,
मुझे अशोक वानखेड़े किसी बात पे ऐतराज है, और ये संजय शर्मा, इन्होंने अशोक वानखेड़े को इनडायरेक्टली कह दिया कि उनके चैनल के तो 10 लाख सब्सक्राइबर, वो क्या मेरी टीआरपी बढ़ाएंगे, मेरे चैनल के तो 60 लाख सब्सक्राइबर हैं, 63 लाख सब्सक्राइबर। साहब ये शरीर है, मैं तो भोले का भक्त हूं, अभी बात कर रहा हूं, भगवान का आदेश आ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, ये शरीर नहीं छूट जाएगा। जो भी दिया है सब उसी ने दिया है, किस चीज पे घमंड करूं। बड़ी बेबाक आपने टिप्पणियां की हैं, बड़ी बेबाक राय रखी है, आपका कहना है कि घमंड क्यों करना, सब यही ज्ञान भी। मैं अंत में चलते एक बात बता दूं, क्योंकि बाबा की नगरी का हूं, बनारस का हूं, रहता जरूर 14-16 सालों से बनारस लखनऊ में हूं, लेकिन मन 24 घंटे बाबा के पास रहता है, बाबा मतलब महादेव के पास। हमारे बनारस में बिस्मिल्ला खान साहब हुआ करते थे, आप जानते होंगे, बांसुरी वादक, सहनाई वादक, बहुत बड़े सहनाई वादक। और बिस्मिल्ला खान जब सहनाई बजाते थे साहब, तो उनके लोग दीवाने हुआ करते थे। बिस्मिल्ला खान साहब ने एक जापान की डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं बहुत अच्छी सहनाई बजाता था, मुझे बड़ा घमंड था, गंगा किनारे बैठ के मैं रियाज करता था। एक फकीर, बनारस में आपको एक से एक बढ़कर फकीर और अड़भंगी मिल जाएंगे, गजब शहर है वो, विचित्र शहर है, किस रूप में वहां नारायण मिल जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे एक फकीर आया, बोला बहुत अच्छी सहनाई बजाते हो, तो कहे मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैंने कहा मैं बजाता हूं, क्या कैसे बजाते हो, तो कहा इन उंगलियों से बजाता हूं, इन होठों से बजाता हूं। उसने बोला कि तुम्हारी उंगलियां किसके आदेश पे चलती हैं, तुम्हारे होठों में ये जो सांसें चल रही हैं किसकी आदेश से चलती हैं। तो कहा मुझे गलती का एहसास हो गया, मैंने कहा आप तो सही कह रहे हो, ये तो अल्लाह की, अल्लाह का कर्म है कि मेरी उंगलियां चल रही हैं और सांसें चल रही हैं। तो उन्होंने तुरंत उस फकीर का पैर छू लिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी, क्या उसके बाद से कभी मैंने घमंड नहीं किया। तो वानखेड़े जी और संजय शर्मा जी जैसे, या हमको भी आपको भी, हर आदमी को अहंकार से बचना चाहिए। बड़ी आपने अंतिम बात जो कह दी, तो कुल मिलाकर लबुलवाब ये निकला पूरे प्रोग्राम की बातचीत का कि अहंकार ने दो पत्रकारों को आपसी भिड़ा दिया, उनको भिड़ा दिया जो एक सुबह निकलती थी तो उनके चैनल पर बोलते दिखते थे, और शाम होती थी तो वो उनके पास उनकी बात सुनते देखे जा सकते थे। ऐसे दो लोग झगड़ गए, लेकिन झगड़े का कारण जो था वो पैसा है। पैसा कहीं भी जाता आता है तो वो झगड़ा कराता है, पैसे का ये विकल्प है, जब सगे भाई में कराता है। ये दो तो आपस में मिलके पत्रकारिता कर रहे थे, लोगों को सच परोस रहे थे, अब उस सच को नंगा कर रहे। इस बातचीत के दायरे से यह समझ में आई कि सच परोसते परोसते अब नंगा हो गया, क्योंकि अब सच बिक चुका था, किसी ने तो खरीदा था, कोई पार्टी के आगे नतमस्तक हो चुका था, कोई धनाढ्यों के आगे नतमस्तक हो चुका था, मस्तक सबके झुक चुके थे अलग अलग जगह, इसलिए एक दूसरे को नंगे करते नजर आए। मैं कहता हूं सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोलेगी जिसमें 70 छेद हो, कौन कहां फंसा पड़ा है, सबकी अंतर आत्मा डोल रही है, कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन किसके आगे बोल रहा है, ये हिंदुस्तान डोल रहा है। तो किसी भी खरीद फरोख्त से ये YouTube चैनल्स बचे रहे, मेरा मानना ये है, तो देश के लोगों तक सच जाता रहेगा। और इसकी वानगी है कि आपने देखा होगा मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आवाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी, और यहां जब रोक लगने का आदेश कोर्ट ने दे दिया तो फिर एक दूसरे की आवाज घेरने पे लगे कि तू चोर, कि तू चोर, कि तू दलाल, कि तू रिश्वत ले आया, क्या बना रखा, पैसे ही पत्रकारिता गर्त में चली गई है। आए दिन पत्रकार जेल जा रहे हैं, आए दिन FIR लिखी जा रही है, तो एक बचे हैं वो ऐसे चले जाएंगे तो बचेगा क्या। आज भी सुनने में आया, एक खबर में पढ़ रहा था कि लखनऊ के कई बड़ी नामी गिरामी पत्रकारों पर FIR हुई है, मैं उसे खंगालूंगा किन किन पर हुई है। ऐसे दौर में
जो पत्रकार सुरक्षित बचे हैं वो एक दूसरे के वस्त्र खींचने पे लगे हुए हैं। कोई जीते कोई कोप हो हमें कहा है, बांधी छोड़ ना वही है रानी, वही राजा हो जाओ, हम तो जो पैसा कर रहे हैं वही रहेंगे। और वो पैसा तभी रहता है जब हमारे मन में लालच नहीं, पैसा नहीं होता। अगर पैसा का संकल्प बीच में घुस गया तो फिर अनर्थ होना तय है। पैसा घुस चुका है, पैसा नहीं घुसा होता टोनी के चैनल पे काम करने वाले जो वर्षों से अखिल स्वामी नहीं बोलते, आपने कहा कि उनके गुजरात के संपादक नहीं बोलते, उनके साथ काम करने वाले वानखेड़े जी नहीं बोलते, संजय शर्मा का पलटवार, कई दिनों से ये मामला तूल पकड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इसे यही रोकना पड़ेगा, वो रुके ना रुके लेकिन आवाज सच की झुकने ना पाए। क्यों चलते हैं चैनल, क्यों नहीं चलते हैं साहब, सच आज भी सुनना चाहते थे लोग, पहले भी सुनना चाहते, सच जहां होगा वहां लोग चलकर चले जाएंगे, सच ले आता है झूठ छोड़ देता है। बाकी आप तय कर लीजिए क्या करना। आपका आभार, धन्यवाद, इसी के साथ विदा लेंगे, नमस्कार।